टीवी शो एक्ट कर रही हूँ बट मुझे 4-7 से बच्चे नहीं आ रहे। मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाया बट सभी डॉक्टर ने बोला मुझे PCOS की प्रॉब्लम है। फिर बाद में मुझे चेकअप हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी एक ट्यूब भी ब्लॉक हो चुकी है। फिर मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, इवन मैंने IUI का प्रोसेस भी करवाया बट मेरा IUI भी फेल हो गया। फिर एक बार मैं वीडियो देख रही थी, मैंने प्रतिभा मैम का वीडियो देखा टेंडर फॉर्म हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल में आए और प्रतिभा मैम से मिली, मुझे मैम बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मुझे सही सजेशन दिया कि मुझे IVF में जाना चाहिए। हम 4 साल से ट्राई कर रहे थे तो मैम ने मेरी रिपोर्ट देख के बोला कि मुझे IVF में आना चाहिए। फिर मैम ने मेरा IVF किया और फिर मेरी जब चेकअप हुई तो मुझे पता चला मेरे यूट्रस में पॉलिप्स आ गए हैं। फिर मैम ने हिस्टेरोस्कोपी मेरा किया, फिर उसके बाद मेरा पॉलिप्स निकाल दिया। फिर आफ्टर 1 मंथ के बाद मैम ने मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफर किया और आज हम प्रेग्नेंट हैं। जो भी सब प्रतिभा मैम की वजह से। थैंक यू। हेलो, हमारी शादी को 4 साल हो गए लेकिन उसके बाद हम लोगों ने चेकअप्स कराए इनके और हमेशा इनको प्रॉब्लम रहती थी कि इनके पीरियड्स हमेशा टाइम टू टाइम बढ़ जाते थे, कभी भी टाइम में पीरियड नहीं आए। जब हमने बहुत डॉक्टर्स को चेकअप कराया तो पता चला कि उनको PCOD और PCOS का इशू है। तो उसके लिए उनके बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट भी चले और उस डॉक्टर ने उनको सर्जरी भी सजेस्ट किया, तो वो सब भी हम उस प्रोसेस में गए बट उसके बाद भी हमें उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर उसके बाद हम लोग IUI भी फेल हो चुका है एक हॉस्पिटल में। तो फिर उसके बाद हमें एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप टेंडर फार्म हॉस्पिटल जाइए और फिर मैम से वहाँ पर डिस्कस करिए। लेकिन हम लोग जब आए टेंडर फार्म हॉस्पिटल और यहाँ पर देखा यहाँ की फैसिलिटीज ऑल इज वेरी गुड, मतलब उन्होंने इतने अच्छे से आप सबको ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद बताया कि आपको ये SPCS प्रोसीजर में आना है। उन्होंने चेकअप्स कराए पहले, फिर कुछ मेडिकेशंस दवाइयाँ उन्होंने दी, उसके बेसिस पे उनकी जो रिजल्ट आए उस बेसिस पे उन्होंने हमें आगे स्टेप बाय स्टेप आगे सजेस्ट किया। तो अब उन्होंने IVF के लिए मुझे पहले बताया कि पहले तो IUI में हम लोग सोच रहे थे लेकिन हमने कहा कि अगर वो भी एक बार, क्योंकि हम निराश हो चुके थे IUI की वजह से, तो हमने कहा कि अब IVF के लिए हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। तो उन्होंने फिर एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किया, उन्होंने उसकी मेडिकेशन दवाइयाँ ली, कम से कम ये कोई 90 डेज का ही पूरा कोर्स हम लोगों को लगा इस पूरे प्रोसेस को कम्प्लीट करने में। और आज हम लोग सक्सेसफुली पॉजिटिव हो गए हैं और हम लोग पॉजिटिव न्यूज मिली है कि हाँ प्रेगनेंट है हमारी वाइफ। आप लोग भी एक बार प्रतिभा मैम से जरूर मिलो, आपको यहाँ पे आके ना बहुत ही अच्छा फील होगा क्योंकि यहाँ के नर्स डॉक्टर सबसे अच्छी तो हमारी मैम है जो आपको भी प्रोसेस में नहीं बता लेंगे, आपको ऐसा मतलब जो आपका एग्जिट पॉइंट है ना आपको मैम वही सजेस्ट करेंगे ताकि आप अच्छे से और करेक्ट टाइम पे पेरेंट्स बन सके। यहाँ के सभी लोग बहुत हेल्पफुल हैं, यहाँ की फैसिलिटीज, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का कल्चर, एवरीथिंग इज ऑल गुड। 5-star rating from my side.